अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो परमात्मा कहते हैं मन चाहता है गुटी लगा लूं, मन चाहता है बकरे खा लूं, मन चाहता है ताश खेल लूं, सिनेमा देख लूं, और सत्संग में आने से आनाकानी करता है। इसको मन जीतना कहते हैं। सतगुरु के वचनों पर चले और बुराई त्याग के अपना सौकाम त्याग कर प्रभु के चरणों में आ जावे, इससे जीवन सफल होगा। और परमात्मा ने जो दिया है जैसा भी उसमें प्रसन्न रहे। राज्य क्रमता राम की रजय धरे जो शीस दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। जिसमें आप परमात्मा के चरणों में आ जाओगे उसमें ये परमेश्वर का काम है आपको कैसे सेट करना है। भाई यहां पर कोई भी जीव सुखी नहीं है, और केवल इतना ही संग्रह कीजिए जो छोड़कर चलते समय उसमें ममता ना बने। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब हम सुनते अधिक हैं, खूब श्रद्धा भी है आप लोगों की, पर उस पर जो परमात्मा हमें जिस रंग में रंगना चाहते हैं हम इतना रंगे नहीं जा रहे। उसमें रंगे कैसे जाएंगे कि आप सत्संग सुनते रहिएगा और फिर धीरे धीरे आपकी आत्मा इन वचनों पर चलने को स्वीकार करेगी। क्योंकि ये मन काफी जन्मों से काफी युगों से यही बकवादों में रंगा हुआ है। अब इसको थोड़ा समय लगेगा इसमें ढलने के लिए, और ढल जाएगा। ऐसी बात नहीं क्योंकि हमने कुसंग भी जो सीखी है, बुराइयां सीखी हैं, कुसंग में सीखी हैं, और हमने अच्छाई सीखने के लिए भी सुसंग मिला है, सत्संग मिला है, तो इसमें धीरे धीरे हम इसको ग्रहण करेंगे और फिर एक दिन ऐसे रंग जाएंगे कि हमने ये दूसरी बातें कतई नहीं अच्छी लगेंगी। कोई अगर आपके पास आकर को व्यवहारिक बातें करेगा तो आपको कति नहीं सुहावगा, उससे शीघ्र ही पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे। समरथ का शरणाग हो रंग होरी हो, वाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे।